अरे दोस्तों, थोड़ा नींबू पानी पी रहा था। एक्चुअली जिस तरीके का मौसम है, चारों तरफ बारिश ही बारिश है, और जैसे सभी का जो सर्दी हो रहा है घर पे, जिस घर पे जाता हूँ सबके घर पे ही सर्दी है और जुखाम है, और अभी का जो सिचुएशन है, कोरोना का जो सिचुएशन है, इन सब सिचुएशन में अगर आप रोज़ नींबू पानी पियेंगे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ये बेनिफिशियल होगा। और कुछ दिन पहले मैंने जो नींबू का पौधा है उसका प्रोपगेशन कैसे करते हैं एयर लेयरिंग मेथड के ज़रिए, उसका एक वीडियो बनाया था। और जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा वो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ वो वीडियो मिल जाएगा। और सभी दोस्तों को मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उन लोगों को भी वेलकम। और जो मेरा जो पौधा है नींबू का पौधा, वो गंधराज उसका नाम है, और ये बंगाली लोगों के लिए तो बहुत पसंदीदा है। और इसका ओरिजिन शायद ये बांग्लादेश से कुछ है, मुझे इतना श्योर नहीं है, पर बहुत सेंटेड नींबू है, लेमन है, और इसको आप ऐसे लेमन जूस की तरह आराम से पी सकते हैं, सुबह पीजिए। और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये जो नींबू का प्रोपगेशन है वो आराम से होता है, ऐसे मिट्टी पे लगा दो आराम से उग जाएगा, पर उसमें सोचने वाली बात है, उसमें आप कटिंग लगा के 10 लगा दिए तो 10 क्या आएगा, रूटिंग नहीं आएगा, उसमें बहुत सा फैक्टर काम करेगा। यहाँ पर फंगस अटैक होने का चांसेस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांसेस है, बहुत ज़्यादा बारिश होने से ये रूट रोटिंग हो जाएगा। तो मेरा जो तरीका है वो 100% सक्सेस है, तो उसमें आप 10 कटिंग में कीजिए, 10 में आपका प्रोपगेशन हो जाएगा, रूटिंग निकल जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा जो अराउंड 45-50 डेज पहले था शायद, उसका जो मैंने एयर लेयरिंग किया था उसका कैसा रिजल्ट निकला है उसके बारे में है, और उसमें रूटिंग कैसे आया है उसके बारे में, उसको मैं कैसे डायरेक्ट ग्राउंड पे लगाता हूँ या कैसे गमले में लगाता हूँ, इस सब के बारे में है। और ये सब जानकारी के लिए मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे जो नए व्यूअर्स हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे बहुत प्रेरणा मिलता है इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए। और जो आपका क्वेरीज है, जो आपका आपका थॉट्स है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इसके साथ मेरे इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मेरा गंधराज नींबू है इसमें बहुत सारा फल भी आ रहा है, आप देख सकते हैं, और ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने इसके एक ब्रांच पे एयर लेयरिंग किया था, और आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि उसमें रूट्स थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। इसको मैं अच्छे से खोल के, इसको काट के मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि इसमें रूटिंग कैसा हुआ है, कितना रूट्स आया है, और इसको गमले में कैसे लगाएंगे या ग्राउंड में कैसे लगाएंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, केयरिंग कैसे होता है, ये सब भी मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने जो ऊपर वाला गांठ जो बांधा था उसके ठीक ऊपर मैंने काट लिया है, और यहाँ भी देख सकते हैं इसमें आप रूट्स जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे रूट्स, बड़े रूट्स भी हैं, और देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको अच्छे से फिर से दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए रूट्स बाहर से भी दिखाई दे रहा होगा, और इसको मैं धीरे धीरे करके काट के आपको दिखाऊंगा कि इस पर रूटिंग कैसा हुआ है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नींबू का जो पौधा है उसका कलम या ऐसे रूट्स निकालना, कटिंग करना बहुत आसान है, इसको मिट्टी में ऐसे ही लगा दो हो जाएगा। पर उसमें आप लोग सोचने वाली बात है कि उसमें आप लोग कितने सक्सेस होंगे। आप 10 लगाएंगे उसमें से 3 बचेगा, ऐसे 4 बचेगा, पर मैंने जो टेक्निक अप्लाई किया है उसमें से आप 10 लगाएंगे, 10 कटिंग में ऐसे रूटिंग करेंगे, रूट्स आ जाएगा आराम से। और देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है रिज़ल्ट, ये देख सकते हैं इसमें बहुत सारा रूटिंग आ गया है, बड़ा रूट्स भी है, छोटे छोटे रूट्स भी अंदर से निकल रहा है, देखिए ध्यान से करिएगा। चलिए इसका मिट्टी तैयार करते हैं। इसमें मैंने 40% वर्मी कंपोस्ट लिया है, 30% सैंड और 30% जो ग्राउंड सॉयल है। इसमें मैं थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मिला दूंगा, और इसमें मैं थोड़ा सा फंगिसाइड भी मिला दूंगा, क्योंकि बारिश का मौसम है तो फंगस
का अटैक होने का चांसेस है, इसलिए मैं थोड़ा फंगिसाइड इसमें मिला दूंगा फंगस के अटैक से बचाने के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दोस्तों। और एक बात, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मुझे बहुत प्रेरणा मिलता है। देखिए दोस्तों, ये मेरा मिट्टी तैयार हो चुका है। आप लोग बेल आइकन जो है वो भी दबाना मत भूलिएगा, मैं जो नया वीडियो डालूंगा उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा आप अगर बेल आइकन दबाएंगे तो। दोस्तों मैंने एक 4 इंच का पॉट लिया है, एक गमला लिया है 4 पॉन्स का प्लास्टिक का, तो उसमें इसको मिट्टी को भर दूंगा। और मिट्टी हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर आप कभी भी मिट्टी भरते हैं गमले में तो इसको दबा के भरिएगा, नहीं तो अंदर एयर पॉकेट्स रह जाएगा। अगर एयर पॉकेट्स रह जाए तो जो पौधे का रूट है अच्छे से ग्रो नहीं होता। देखिए दोस्तों, मैंने भर दिया है थोड़ा सा, हाफ भर के इन्हें जो कटिंग है रूट्स वाला कटिंग, उसको ऐसे बीच में ला के इसके ऊपर भी थोड़ा हल्के हल्के दबा के इसको मैंने इसको लगा दिया है। दोस्तों इस तरीके के वीडियो के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे सजेशन दीजिएगा, अगर कोई गलती है तो आप कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इस कटिंग को मैंने पॉट में अच्छी तरह लगा दिया है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जब कोई कभी भी आप कोई नया पौधा पॉट या गमले में लगाते हैं तब आप इसको लगाने के बाद अच्छे से पानी से भिगो देना है इसको, इससे जो अंदर का जो एयर पॉकेट्स है वो भी बबल्स के रूप में बाहर आ जाएगा और रूट्स का ग्रोथ जो है बहुत अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, मैंने पानी से भर दिया है पॉट्स को, और इसको मैं किसी शेडी एरिया में, छायादार एरिया में 25-30 दिन तक ऐसे रख दूँगा और इसको थोड़ा ग्रो कराऊँगा, उसके बाद मैं इसको ग्राउंड पर डायरेक्ट लगा दूँगा। दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों मिलते रहेंगे।